नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा तारा सिंह के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बार लाइक से भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरा नाम मास्टर तारा सिंह नानकचंद, जन्म हुआ था इनका 24 जून 1885 को हुआ था। जन्मभूमि रावलपिंडी, पंजाब। मृत्यु हुई थी इनकी 22 नवंबर 1967 चंडीगढ़ में हुई थी इनकी मृत्यु। अभिभावक थे इनके बख्शी गोपीचंद तथा मुन्नन देवी। कर्मभूमि इनकी भारत रही है, ये सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, कट्टर सिख राजनेता हैं ये, भारतीय सिख धर्म के अनुयायी हैं। तारा सिंह ने महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया था। 1932 के ब्रिटिश सरकार के सांप्रदायिक निर्णय के वे विरोधी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्रिप्स प्रस्ताव का भी उन्होंने विरोध किया था। मास्टर तारा सिंह प्रसिद्ध कट्टर सिख नेता थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय सिखों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। इसी के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1919 में इंडिया एक्ट में मुसलमानों की भांति सिखों को भी पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया था। तारा सिंह एक सिख नेता होने के साथ साथ पत्रकार और लेखक भी थे। इन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया था। लायलपुर के स्कूल में प्रधान अध्यापक का कार्य इन्होंने किया, जिस कारण इनके नाम के साथ मास्टर शब्द हमेशा के लिए जुड़ गया। संक्षिप्त में जीवन परिचय। प्रसिद्ध सिख नेता मास्टर तारा सिंह का जन्म 24 जून 1885 ईस्वी को ब्रिटिश शासनकाल में पंजाब के रावलपिंडी जिले के हरियाल नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम बख्शी गोपीचंद तथा माता का नाम मुल्लन देवी था। तारा सिंह का बचपन का नाम नानक चंद था। उनके चार भाई तथा एक बहन थी। पिता बख्शी गोपीचंद गांव के पटवारी थे। शिक्षा। तारा सिंह ने 17 वर्ष की उम्र में सिख धर्म की दीक्षा ली और अपने पैतृक निवास छोड़कर गुरुद्वारे में रहने लगे। उनकी शिक्षा रावलपिंडी और अमृतसर में हुई। लाहौर में तारा सिंह ने अध्यापन कार्य का प्रशिक्षण लिया और लायलपुर के हाई स्कूल में 15 रुपए मासिक वेतन पर प्रधान अध्यापक का काम करने लगे। यद्यपि बाद के जीवन में उनका अध्यापन कार्य से कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन नाम के साथ मास्टर शब्द सदा के लिए जुड़ गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।